सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज़ीन और आज हम बात करने वाले हैं एलन गुर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही एलन गुर है जिसको हमने जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में हाल ही में देखने को मिला है, जो कि एक ग्रीन लैंटर्न है दोस्तों, जिसकी इमेज अभी आप देख रहे हो, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है जो कि ग्रीन लैंटर्न की इशू नंबर 19 में है, जो कि आई थी दिसंबर 1991 में। जी हाँ दोस्तों, इसके पावर्स, एबिलिटी, साथ ही साथ इसकी ओरिजिन कहाँ से आया है, क्या करता है, इसको इंसानियत के साथ जुड़ा, वो भी चीज़ हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो चलिए आइए मिलके करते हैं एलन गुर की ओरिजिन। तो लेट्स बिगिन। एलन गुर ये एक मेंबर है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का, जो कि लगभग 2000 सालों के पहले गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स का एक बेस्ट सर्वेंट रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी पावर्स है और इसको बहुत अच्छे से यूज़ करने आती है ग्रीन लैंटर्न की पावर्स, यानी ग्रीन लैंटर्न के रिंग के साथ अच्छे से खेल सकता है ये। इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वेंट बन जाता है गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स का, जो कि एक्चुअल में स्पेस सेक्टर 2814 में अपने होम टाउन में रहता है, जहाँ पे उसको ये पूरी सर्वेंट चीज़ें करने पे वहाँ पे मौका मिला है। एक टाइम पर वहाँ पर हमला हो जाता है येलो बीस्ट का, जिसने लगभग एलन गुर को मार ही दिया था। तब ग्रीन लैंटर्न की पावर की खराब के कारण, यानी उसमें एक्चुअल में एक डिफॉल्ट था, उसके कारण इसकी जान जाने वाली थी। तब उनका जो लीड है ओन्स, उसने एक क्वेश्चन किया कि क्या हम इस वीकनेस के कारण ग्रीन लैंटर्न्स को मरने देंगे? नहीं। तो जहाँ इन लोगों ने डिसाइड किया कि येल्लो इम्प्योरिटी जो है, जो कि येल्लो रिंग के अंदर, जो कि इस ग्रीन रिंग के अंदर जो येल्लो पावर है, उसको मिटाने के लिए इन लोगों ने चीज़ें की, जिस चीज़ के हिसाब से इन लोगों ने एलन की रिंग में से उस चीज़ को हमेशा के लिए निकाल दिया, जहाँ वो सबसे फेथफुल सर्वेंट बना। जी हाँ दोस्तों, सबसे शक्तिशाली भी सर्वेंट बना साथ में, ये एक्चुअल में पूरा कारण बन गया, जहाँ वो खुद का इनफॉलेबल हो गया, यानी साथ में इनविजिबल भी हो गया और उसके पास ताकतें भी आ गई, आदर्शवादी बन गया जी एक टाइम पे, ऐसा बोलना चाहेंगे हम तो। एक टाइम उसने सोचा कि भाई अपना जो घर है सेक्टर वाला, वो उसको रीशेप करेंगे। उसी टाइम उसने देखा कि अर्थ पे ह्यूमंस की सिविलाइजेशन बन रही है, वो अर्थ पे पूरे सिविलाइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसे डर लगने लगा कि ये तो यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसने क्या किया, उन लोगों से लड़ना चालू किया, जहाँ पे चाइना के एंशियंट लैंड को उसने टेररिज़ किया, सोसाइटी के जो प्रोग्रेस थे वो रोकने की कोशिश की। फिर ये सारी चीज़ों के वजह से आगे जाके उसके जो येल्लो पूरी रिंग थी, उसमें येल्लो पावर एक्टिवेट हुई और आखिरकार वहाँ के फार्मर्स ने, यानी अर्थ के फार्मर्स ने उसे मार डाला, जहाँ पे उसको जिंदा जलाया भी गया और फिर उसकी जो रिंग की पावर्स थी वो स्टार हार्ट में समा गई। अभी स्टार हार्ट क्या है उसके लिए आपको अलग से ओरिजिन मिल जाएगी, उसके बारे में आपको उसमें पता चल जाएगा। अगर ग्रीन लैंटर्न के फैंस हो तो आपको ये चीज़ पता भी होगी। तो दोस्तों, ये है पूरी अपनी एलन गुर की कहानी, जो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। साथ ही साथ इसके पास पावर्स और एबिलिटी में, अगर मैं नॉर्मल बात में कहूँ तो ग्रीन लैंटर्न्स के पास जो कुछ भी पावर्स आपको देखने को मिलती है वो तो है ही, बट इसके पास एक्चुअल में एक विल पावर भी है, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एक ग्रीन लैंटर्न बन जाता है। तो दोस्तों, बस यही है एलन गुर की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लेना मूवीज़ीन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ीन।